कोई औरत उनको दिखाई दी है सफ़ेद कपड़ों में इस जगह पे, और वो ये चिल्ला रही थी कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो मुझे पता नहीं है कि वाकई यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ भाई क्यों हो गया भाई भविंदर कितने गया तू? तो अगर आप यहां से चले जाओगे, ओ माय गॉड, क्या कैमरे के सामने आ सकते हैं? ओ दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं आपका भाई जस्सी और एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से और आपके प्यार से मैं भी ठीक हूं। सबसे पहले आपको पता है, जैसे आप देख रहे हो कि मेरे को सांस चढ़ा हुआ है, उसका रीज़न रातों रात दोस्तों मुझे इस लोकेशन पर बुलाया गया कि जैसे भाई फटाफट आओ, और मेरे खुद की जानकारी में है ये लोकेशन, ठीक है, और पूछो मत कि उनका हाल क्या था, भाई कैमरे पे हैं जिन्होंने मुझे लोकेशन के बारे में बताया है और जिन्होंने मुझे बुलाया है। उनका कहना है कि आज से दो दिन पहले की बात है, रात के टाइम वो यहाँ से जा रहे थे फसल वगैरह काट के, तो कोई औरत उनको दिखाई दी है सफ़ेद कपड़ों में इस जगह पे, और वो ये चिल्ला रही थी कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो मुझे पता नहीं है कि वाकई यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ भाई क्यों हो गया भाई बुलंदर भाई बच्चू आ गई हो भाई बच्चू कितने गया तू बलविंदर कितने है यार गल सुन कितने गया तू बच्चू मेरी गल भाई बच्चू मेरी ओ मेरे सामने था कितने गया। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ही थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई है, बलविंदर वीरे आजा कितने है तू दोस्तों बात ये हुई है मैं आपको बता दूं, कोई गल नहीं वीरे तुसी जाना जाओ, मैं इतने खड़ा इतने आवाज आई थी अभी पीछे बलविंदर भाजी मैं थोड़े को आ रहा एक मिनट को, तुसी अगर जाना तो जाओ, अगर मेरे कोले आना तो इतने एक बारी आओ मैं खड़ा तो दोस्तों उनको पता नहीं क्या दिखा है, वो यहाँ से भाग गए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तो इन्वेस्टिगेशन करके जाऊँगा। तो भाई का कहना है कि कोई चीज़ उनको दिखाई दी थी सफ़ेद रंग में इस जगह पे, और वो कह रहे थे कोई औरत है जो सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखाई दी है। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, वो यहाँ से काफ़ी दूर जा चुके हैं मुझे छोड़कर अकेला, और आवाज़ें लगा रहे हैं लगातार। तो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, ठीक है, कैमरा थोड़ा पकड़ने में मुश्किल हो रही है, मुझे ये था कि भाई चलो शूट करवा देंगे साथ में, इसलिए मैं साथ में किसी को लेके नहीं आया। चलो अपने लोकेशन आप देखते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं, और देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, बाकी आपकी दुआएं हैं, भगवान का आशीर्वाद है और आप सब साथ हो, बस चलते हैं लोकेशन की तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, चलिए। तो दोस्तों ये लोकेशन है आपके सामने, और बरविंदर भाई यहाँ से चले गए हैं, मैंने काफ़ी कोशिश की उनको बुलाने की, फ़ोन भी किया पर वो उठा नहीं रहे हैं, और एग्जैक्ट जगह मेरे को भी नहीं बता के गए, बस यही कह के गए कि इसी जगह पे, और जैसे वो बोल के गए हैं वो आ गई, पता नहीं उसको क्या दिखा। बाकी देखते हैं क्या है यहाँ पर क्या नहीं है, थोड़ी लाइट तेज़ कर लेता हूँ मैं। ओह माय गॉड, आवाज़ें शुरू होगी, कौन है? और साथ के साथ दोस्त
मुझे लगा रोने की आवाज़ आई है, और साथ के साथ हवा चलनी शुरू हो गई दोस्तों। कोई है यहां पर? देखिए मुझे पता है आप यहां पर हो, मैं आपको फील कर रहा हूं दोस्तों, मुझे फील हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए सारे। ये देखिए पूरे रोंगटे खड़े हैं इस टाइम, और ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे आसपास है। यहाँ पर दोस्तों जानवर भी हैं, सांप वगैरह भी हैं, जो आम सी बात है ऐसी जगह पर। अगर आप इस जगह पे मौजूद हो जैसा मुझे बताया गया है, क्या कैमरे के सामने आ सकते हो? मैं कह रहा हूं अगर आप यहां पर हो तो क्या मेरे सामने आ सकते हो? देखिए दोस्तों आवाज आई है, और ये फसल वगैरह इधर काट के रखी हुई है। और दोस्तों जो मेन दिक्कत मेरे को बताई थी फोन पे, यहाँ से थोड़ी दूर शमशान घाट है आगे वाली साइड, ठीक है। और भाई ने मुझे एक इंसिडेंट बताया वहाँ का भी, कि किसी की डेथ हुई थी और वहाँ पर उसका संस्कार किया गया था। तो उसके बाद अपने कहते नहीं है कि कोई हड्डी वगैरह उसकी चोरी हो जाए तो उससे कुछ तांत्रिक वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो वो दिक्कत वहाँ पर हो गई है, ठीक है, और हड्डी कोई चुरा के ले गया था जो भाई ने मुझे बताया था, क्योंकि इंट्रो मुझे भाई ने पूरा करवाया नहीं, यही बात बताई थी फ़ोन पे। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, भाई चले गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो हूँ ही है आपके साथ, और आप हो मेरे साथ, और ऊपर वाला है यार। अगर कोई भी है तो मेरे सामने आए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। उसको नीचे बैठकर आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। मैं आपसे डरने वाला तो हूं नहीं, ना मैं डरता हूं, मैं उस ऊपर वाले भगवान से डरता हूं। मैं कहता हूं मेरे सामने आओ। मेरे पैर से टूटी है दोस्तों, कोई भी है मुझे वहां पर कुछ दिखा है। ये नहीं पता कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, मेरा कैमरा सामने था, पता नहीं क्या था, बड़ी अजीब सी चीज लगी मुझे। ये दोस्तों जानवर की आवाज नहीं है, ये वाली दोस्तों जानवर की आवाज नहीं है, मेरा मालिक कृपा करे। देखिए सामने आओ अगर आप आ सकते हो तो, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाएं। मेरा मालिक कृपा करे। दोस्तों पता क्या है, हमारा काम होता है इन्वेस्टिगेशन करने का हर जगह की, चाहे वो कैसी भी जगह हो। कई दोस्त बोल देते हैं यार दोस्तों मूव हुआ है कैमरे के सामने, यार दोस्तों मूव हुआ है कैमरे के सामने।
मेरे ख्याल में रिकॉर्ड हुआ होगा। दोस्तों ये चीज़ यहाँ से हिली है, ये बातें करने की आवाज़ आ रही है आसपास से। यार दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई है, कदमों की आवाज़ आ रही है। ओह क्या दोबारा कर सकते हो? मुझे पता आप यहाँ पर हो। मेरा मालिक कृपा करे दोस्तों। कौन है दोस्तों? ये चीज यहाँ से मूव हुई अभी। यहाँ पर भी मुझे लगा कोई है। क्या दोबारा कर सकते हो ये चीज? अगर दोबारा कर सकते हो तो कैमरे के सामने करके दिखाओ। मुझे पता है आप यहाँ। दोस्तों मूवमेंट हो रही है। मेरा मालिक कृपा करे। मेरा मालिक कृपा करे दोस्तों, मेरा मालिक कृपा करे। भाई यहाँ से छोटा साइड में हो रहा हूँ। मुझे पता है शायद मेरा पैर लगा है। मुझे पता है आप यहाँ पर हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप यहाँ पर हो। कैमरे के सामने आकर साइन दो अपना। मैं चाहता हूं आप कैमरे के सामने आओ। बलविंदर भाई जिन्होंने मुझे यहां पर बुलाया है दोस्तों, उन्होंने कहा था कि कोई सफेद रंग की आवाज आई है, चीज उनको दिखाई दी है। तो क्या आप यहां पर चमगादड़ उड़ के गए ऊपर से, तो क्या आप कैमरे के सामने आ सकते हो? क्या कोई है इस जगह पे? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, जो मेरे सामने आ सकता हो। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, आप कोई भी हो। क्या कैमरे के सामने आ सकते हैं? ओ दोस्तों क्या कैमरे के सामने आ सकते हैं? ओ दोस्तों यहां पर मैंने किसी को देखा है इस जगह पे। दोस्तों इस जगह पे मैंने किसी को देखा अभी, वो सफेद रंग में था। मेरा मालिक कृपा करे। और आवाज भी आई है। देखिए मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूं। मुझे पता है आपने अपनी मौजूदगी मेरे सामने जाहिर की है। मेरा मालिक कृपा करे। दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए देखकर। पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, सफेद कपड़ों में कोई लगा जैसे कोई खड़ा है। मेरा मालिक कृपा करे। देखिए मैंने आपको देख लिया है,
दोस्तों पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, जो रियलिटी की बात है। बाकी पता नहीं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ओए ओए ओ दोस्तों, फिर मैंने इसी जगह पे कोई चीज देखी है, मुझे जैसे मेरे सामने उछल रही हो। दोस्तों ना कोई आवाज आ रही है ना कोई यहां पर है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो चीज जाती कहां है दिखाकर अपने आप को। ओए ये कोई आवाज आई अभी, देखो दोस्तों नीचे कितने कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े बहुत हैं। देखिए मैंने आपको देख लिया है, मेरा कोई मकसद नहीं है आपको नुकसान पहुंचाने का। मेरा आपको कोई मकसद नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं, आपने अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही है, मैं ये चाहता हूं कि आप यहां से चले जाओ, किसी को परेशान मत करो। सबने उस भगवान के पास जाना है। दोस्तों देखो मूवमेंट आ रही है, जैसे कदमों की आवाज होती है। मुझे आपने अपना साइन भी दे दिया है, अपनी मौजूदगी भी दिखा दी है, तो अगर आप यहां से चले जाओगे। ओ माय गॉड, मेरा मालिक कृपा करे। दोस्तों यहाँ से फिर मूव हुई है, ये यहाँ से फिर मूव हुई है। आखिर देखिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा आपके लिए कि आप इस जन्म से मुक्त हो और अगले जन्म में जाओ, मैं उसके चरणों में अरदास करूँगा आपके लिए। दोस्तों एक बार ना शरीर मेरा इतना कांपने लग गया ना, हाँ देखो एक जगह ना मतलब कंसंट्रेशन हो नहीं रहा है, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। दोस्तों हल्की हल्की मूवमेंट महसूस हो रही है, तो ठीक है ये आपकी जगह है, आप रह सकते हैं, मैं इस जगह से बाहर जा रहा हूँ। ओए ओए क्या आप चाहते हो कि मैं इस जगह से बाहर जाऊं? आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप किसी को परेशान ना करें, ये किसी की जमीन है किसी की जायदाद है, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो आपको अपने पास बुलाए और इस जन्म से आप मुक्त हो। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो वो भी करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों एक बार लोकेशन से बाहर चलते हैं, बाकी एक बार ना यहाँ खड़े होने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पता नहीं क्या बात है, ऐसा लगता है यहीं गिर जाऊंगा। कुलविंदर भाई भी नहीं है और मेरा जो साधन है यहाँ से कम आधा किलोमीटर आगे खड़ा है, तो मैं कैमरे के सामने आके आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों एक बार यहाँ से निकल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना शेयर करना, आपके लिए रिस्क ले रहे हैं और अभी भी बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, बाकी ये मेरा नाम भी शो रहा होगा। और दोस्तों अपने तीन चैनल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या था जिसको आप बहुत प्यार देते हो, सेकंड ये वाला चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हो जस्टिस चंदू ऑफिशियल, और थर्ड जस्टिस चंदू ब्लॉग्स। तो तीनों चैनलों पर जो लेटेस्ट वीडियो आई हैं उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। चलता हूँ, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मेरा दोस्तों सर है ना जो दर्द हो रहा है, प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा आपको प्यार,
तो निकलता हूँ, धन्यवाद।